Hi friends, welcome back to my channel and today's video is going to be the most promising review from me. You know what, about 2 and 30 days before I bought a special hair kit from Wow Skin Science. All of you know that, but I have made the video of unboxing that beautiful packaging or the beautiful products from Wow. But today's video is going to be the honest review about the results of those products. But before going to my video, first of all, Shubho Bijoya amar somosto bondhuke, as I'm from West Bengal. And guys, I think all of you are fine and welcome back. And also, if you're new in my channel, please go to the subscription button and subscribe back to my channel to catch up on all the skincare routines and ferns from my channel. So let's start my video. First of all, before going to my reviews, please 2 minute silence for my host purchase from Amazon or maybe for Wow. I have never bought such Osh products into my whole life. The products are useless and so mean. First of all, I'm going to talk about that Wow Onion Black Sheep Hair Oil. इसकी पैकेजिंग के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब आते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, बता देती हूँ, वाउ क्लेम करती है कि इसमें ऑनियन, ब्लैक सीड ऑयल्स विद आमंड्स, कैस्टर्स, जोजुबा, ऑलिव एंड कोकोनट ऑयल्स हैं और इसे इस्तेमाल करने के बाद आपकी हेयर फॉल बिल्कुल भी घट जाएगी. लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव यूज्ड इट फॉर 1 month बिकॉज उसके बाद इस्तेमाल करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि मेरे बाल इतने खराब हो गए. ऊपर से ये ऑयल इस्तेमाल करने के बाद ना आपकी स्कैल्प में इतनी ज्यादा इचिंग होती है, आपकी स्किन में बहुत स्कैल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाती है, तो इतनी ज्यादा इचिंग होती है कि आप रात भर नींद भी ठीक से नहीं ले पाएंगे. ये वाला ऑयल यूज करने के बाद जो रिजल्ट निकला वो मेरे लिए एकदम बिग जीरो है. लेकिन पता नहीं, शायद किसी को सूट भी कर सकती है आप में से किसी को, बट दिस इज कम्प्लीटली यूजलेस ऑयल. मैंने इसे इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो गए और ऊपर से मेरे स्कैल्प में इतनी ज्यादा इचिंग और डैंड्रफ बढ़ गए कि इसकी जो शैम्पू है उसे इस्तेमाल करने के बाद भी नहीं घटे और ऊपर से मेरा हेयरफॉल रुका भी नहीं. बहुत ही गंदा ऑयल है. सो अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको रिकमेंड इसे करूं या नहीं, देन दिस इज अ बिग नो फ्रॉम मी. इसका जो टेक्सचर है, थोड़ा सा सीरम बेस्ड ऑयल है. ठीक है, ये वाला ऑयल देखने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरी बालों पे बहुत अच्छा काम करे, लेकिन इट इज टोटली यूजलेस प्रोडक्ट. इसे इस्तेमाल करके सोने के बाद पहली रात में मेरे स्किन में, स्कैल्प पे इतनी ज्यादा इचिंग हुई और गाइस मेरे पूरे फेस में ना इतने ज्यादा पिंपल आए ना, वो सोच भी नहीं सकते. कमिंग अप टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज वाउ रेड ऑनियन ब्लैक शीट ऑयल शैम्पू. पैकेजिंग मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, इस्तेमाल करने के बाद इसकी हालत ऐसी हो गई है. मेरी सारी चीजें इस्तेमाल करने के बाद ना ऐसी वयाद इसकी हालत हो जाती है. एनीवे, वो मुद्दे की बात बिल्कुल नहीं है. जो इसका रिव्यू है गाइस, ये वाला शैम्पू जो है, इट कम्स इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी एंड वेन एवर यू यूज टू अप्लाई इट ऑन टू योर स्कैल्फ, मस्ट रिमेम्बर दैट यू हैव टू टेक अ लॉट अमाउंट बिकॉज थोड़ा सा अमाउंट लेंगे तो उससे आपकी जो हेयर है उसमें फोम नहीं होंगे, वो अच्छे से क्लीन भी नहीं होंगे. तो आपको इसे अपनी, अगर मेरे जैसे लेंथ वाली आपकी बाल हो तो उसे वॉश करने के लिए आपको एक बार में यू नो 25 to 30 पाम्प्स करना पड़ेगा आपकी हेयर को प्रॉपर वॉश करने के लिए. तो ये वाला जो होल किट है मैंने बस 1000 रुपीज में खरीदी, तो 1000 रुपीज के हिसाब से ये प्रोडक्ट्स एकदम बेकार है. मेरा जो 1000 रुपीज है बिल्कुल बर्बाद हो गया और ये प्रोडक्ट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए. मैंने बहुत इस्तेमाल की, इसे यूज करने के बाद ना गाइस सबको लगेगा कि जब आप बालों को अच्छे तरीके से ल्यूकोम वाटर या कोल्ड वाटर से धो डालेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा कंडीशनर जैसा फील आपको दे सकता है, लेकिन इससे आप बिल्कुल खुश मत हो जाना क्योंकि उसके बाद ना अगर इसे आप यू ही विदाउट कंडीशनर अप्लाई करें, आप देख सकते हो कि बाल एकदम से ड्राई, रफ, टफ, इतनी खराब हो जाती है ना, आंखों के सामने उसे देख पाओगे. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको इसका कंडीशनर भी अप्लाई करना पड़ेगा. बट गाइस, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ बहुत अच्छी तरीके से. ये लगभग खत्म हो गया है, इसे इसे निकालना. गाइस, दिस कम्स इन दिस लिक्विड ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हो. तो इसे मैंने बस, ये वाला शैम्पू खत्म करने के लिए मेरा बस 1 महीने में ये शैम्पू खत्म हो गया था बिकॉज ये बहुत ज्यादा अमाउंट लेना पड़ती है आपकी बालों को अगर अच्छे तरीके से आप शैम्पू करना चाहती हो तो. सो मेरे तरफ से ये वाला जो शैम्पू है
एकदम खराब है, बिल्कुल मत लीजिए। पता नहीं अगर किसी को सूट करता है तो आप लीजिए, लेकिन मेरे बालों पे ये बिल्कुल काम नहीं किया। ऊपर से इसकी जो कंटेंट्स जो है सारे, मुझे नहीं लगता इनमें कोई भी कंटेंट्स होगा। और ये इसमें प्रो विटामिन B5 भी है, आई डोंट नो वेयर, मुझे तो नहीं लगा। और यहाँ पे जो इसकी रिजल्ट्स दी गई है, कॉशंस भी दी गई है, मैंने सब पढ़ा। इस्तेमाल करने के बाद मुझे बहुत खराब लगा, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए, तो मेरे तरफ से नो। कमिंग अप टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज वाउ स्किन साइंस रेड ऑनियन ब्लैक ऑयल हेयर कंडीशनर। इसकी पैकेजिंग बॉटल मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इसकी भी हालत एकदम बहुत ही गंदा हो गई है। एनीवे गाइस, इसमें जो इफेक्ट्स लिखा है कि इट हेल्प स्ट्रेंथन एंड सॉफ्टन एंड रिस्टोर साइन, मुझे तो लगता है मेरी बालों की थोड़ी बहुत साइन और स्मूथनेस होगी ना, वो भी इसकी वजह से चली गई होगी। मुझे नहीं लगता इट रिस्टोर साइन नेवर एवर। सबसे बड़ी चीज ये है गाइज, इसमें लिखा है कि मेड विद नेचुरल एक्टिविटीज, पता नहीं कैसे बना होगा। सबसे बड़ी चीज देखिए, इसका जो कंसिस्टेंसी है ऐसे क्रीम बेस्ड, मैंने थोड़ा सा निकल कर आपको दिखा रही हूँ, ऐसे क्रीम बेस्ड व्हाइट कंडीशनर है। यूजुअली क्या होता है कि जब आप कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जब आप बालों को वॉश करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा स्मूथ साइन एंड सिल्की हो जाती है। बट इसे इस्तेमाल करने के बाद ना थोड़ा सा वक्त, जब आप बाल को वॉश करने थोड़ा सा वक्त आपको स्मूथ लगेगा, लेकिन जब आपके बाल एकदम से ड्राई हो जाएंगे, आप उसे नेचुरली एयर ड्राई करेंगे, तब आप देखना कि आपके बालों में लगेगा ही नहीं कि आपने कोई कंडीशनर अप्लाई किया। अगर ये वाला कंडीशनर आपको अप्लाई करना है तो मस्ट एक सीरम अप्लाई कीजिए अपने बालों को वॉश करने के बाद, बिकॉज दिस प्रोडक्ट्स आर कम्प्लीटली यूजलेस, जस्ट मीन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गाइस, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपको आपकी अगर मन करे थी आप इसे खरीदेंगे तो आप खरीद सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी प्लीज अपना 1000 रुपीज ना बर्बाद मत कीजिए। बहुत ही ज्यादा खराब प्रोडक्ट है, आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है और जिनकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है। तो गाइस, मैंने ये जो 3 प्रोडक्ट्स है इसकी ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर की, और इसे मैंने कम्प्लीटली 2 महीने तक एकदम इस्तेमाल किया ताकि आपको अच्छी तरीके से इसका रिव्यू दे सकूं, लेकिन मुझे ना रिजल्ट बहुत ही खराब मिला। और सबसे बड़ी चीज गाइस, मुझे ना अफसोस हुआ कि 1000 रुपीज मैंने यूं ही बर्बाद कर दी, कितना कुछ हो सकता था ना उसमें। एनीवे, जो हो गया सो हो गया, मुझे आपको ऑनेस्ट रिव्यू तो मैंने दे पाई आपको, तो इसी में मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। सो गाइस, अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, अगर आप अच्छा सा शैम्पू की तलाश में हो, तो गाइस यू कैन यूज दैट। दिस इज अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड, दिस इज हेड एंड शोल्डर एंटी डैंड्रफ शैम्पू, स्मूथ एंड सिल्की। ये वाला शैम्पू मैं बचपन से इस्तेमाल करते आ रही हूँ गाइस, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट वाओ। आपकी स्कैल्प से पूरी पूरी डैंड्रफ निकलती है, स्कैल्प को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील देती है, ऊपर से आपके बाल को भी अच्छी लगती है। गाइस, इफ यू वांट मी टू रिकमेंड यू सम ब्यूटीफुल कंडीशनर्स, देन आई एम गोइंग टू शो यू दैट नथिंग, नो कंडीशनर इज कंपेरेबल टू दिस। यस, दिस इज डव हेयरफॉल रेस्क्यू कंडीशनर। This is such a beautiful conditioner that I have ever used. जितने भी मैंने conditioner इस्तेमाल किए ना guys, सारे ना Dove की नीचे है। Dove इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा soft हो जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज इसे इस्तेमाल करने के बाद ना आपकी जो hair है उसमें serum लगाने की जरूरत भी नहीं होगी। तो अगर मेरे जैसे कोई और जो लड़कियां जो काम करती है, स्कूल जाती है, जो जल्दबाजी में रहती है, तो उनको अगर अच्छा सा एक conditioner चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहता अपनी हेयर को केयर करने के लिए, तो आप ये वाला जो कंडीशनर है इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ गाइस, ये जो तो प्रोडक्ट्स है, हेड एंड शोल्डर का शैम्पू एंड ऑफ न्यूट्रिटिव सॉल्यूशंस जो कंडीशनर, ये मैंने बिग बिलियन डे में फ्लिपकार्ट से खरीदी, तो मुझे बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी मिली और बहुत अच्छा है। एटलीस्ट इन दोनों चीजों से तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरी 1000 रुपीज बेकार में बर्बाद हो गई गाइस। सो प्लीज डोंट यूज दिस प्रोडक्ट, आई हाईली रिकमेंड यू प्लीज। एंड अगर आपको अच्छा लगे कि आप वाओ की जो प्रोडक्ट इसमें बिलीव रखते हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो एज यू विज। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज गाइज, सब्सक्राइब टू माई चैनल टू कैच अप ऑन ऑल द ब्यूटिफुल फंस एंड स्किन केयर रूटीन्स। एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक सम मोर वीडियोज ऑन द रिव्यूज ऑफ सब प्रोडक्ट, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, दिस इज एनफ फॉर टुडे, बाय बाय। Time is barely on our side.